हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। और आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ वॉलनट प्राइम के बारे में। तो एक वीडियो मैंने अपलोड करा था तो उस पर 2000 व्यू से ऊपर चला गया। तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं वॉलनट प्राइम के रिलेटेड कि यार वॉलनट क्या, वॉलनट प्राइम है क्या, वॉलनट को हम कैसे यूज कर सकते हैं और मैं कैसे एलिजिबल हूँ वॉलनट प्राइम के लिए। तो सारा का सारा जितना भी क्वेश्चन है इस वीडियो के में मैं सॉल्व करूँगा। तो आपको बस क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जाओ, और कोई भी फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जो लोग नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो पहले मैं बता दूं वॉलनट है क्या। तो पहले आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दूंगा। पर अभी मैं वॉलनट आपको जो है सर्च करके दिखा देता हूँ कि इसका क्या काम है और किस पर्पज़ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पर तो यार वॉलनट मैंने गलत लिख दिया, वॉलेट लिख दिया, सॉरी। तो वॉलनट मैं यहाँ पर टाइप भी कर देता हूँ तो ये आ गया। तो एज यू कैन सी ऑल बैंक मनी मैनेजर ट्रैक बैंक बैलेंस एंड कार्ड्स। तो बेसिकली एप्लीकेशन की यही काम है, यूजेज है कि आपका जितने भी आपने खर्च करे हैं, पैसे आपने विड्रॉल करे हैं, तो सारा का सारा डाटा यहाँ पे वो ट्रैक करता है और आपको जो है मंथली में आपको बता देगा कि आपने इतने पैसे यहाँ पर खर्च करे। या फिर आप कहीं भी देख सकते हो कि आपने कहाँ कहाँ अपने पैसे जो है निकाले हैं या फिर खर्च करें या किसी को ऑनलाइन पे करें, तो सारा का सारा ट्रैक होते रहता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अपनी मनी सेव कर सकते हो। ज़्यादा खर्चा आप देखो कि इस पे चीज़ पे ज़्यादा खर्च हो रहा है तो आप जो वहाँ से सेव कर सकते हो। और एक चीज़ और है, ये जो है बैंक बैलेंस आपको दिखा देता है कि आपके जितने भी कार्ड हैं, आपके जितने भी अकाउंट हैं, पेटीएम से लेके अमेजोन पे से लेके सारा का सारा बैलेंस आपको इस एप्लीकेशन में दिख जाएगा। तो बहुत बढ़िया बात है। और इन्होंने एक और फीचर इंट्रोड्यूस करा था जो थे वॉलनट प्राइम। तो बहुत सारे लोग इंटरेस्ट होंगे वॉलनट प्राइम में। तो अभी ओपन कर लेते हैं इस ऐप को, सिंपल से डैट है, सिंपल सी। तो यहाँ पर जैसे ही ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। तो मेक श्योर आपको साइनअप करना होगा, तो साइनअप का सिंपल सा प्रोसेस होगा। तो आपको फॉलो कर लेना, अपने नंबर वगैरह डाल के आप जो है साइनअप यहाँ पर कर लोगे। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। तो यहाँ पर आप देख रहोगे कि यहाँ पे बैलेंस दिखा रहा है अकाउंट का, पेटीएम में, डीजी बैंक, जितना भी मेरे बैलेंस है, और ये कार्ड्स वगैरह है, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह, और ये टैक्स है, बाकी जितने भी मैंने यहाँ पर टैक्स डाल दिया कि मैंने फ्रेंड्स को कितने दिए वगैरह ये सब। और बाकी इनका जो है और भी एप्लीकेशन है जो आप जो यूज कर सकते हो इनका। तो ये बेसिकली यही है, सिंपल सा चीज़ आपको मैं बता दूँ कि आप जो है यहाँ पे देख सकते हो। तो मैंने स्पेंड करा देख सकते हो 10, 96 ऐसे कुछ करके। तो ये सारा का सारा यहाँ पर रिकॉर्ड आपको जो दिख जाएगा। रिमाइंडर भी लगा सकते हो, अगर कोई ईएमआई या क्रेडिट कार्ड ले रखा है तो यहाँ पे, या फिर बिल पे करना है, तो सारा का सारा चीज़ जो है आपको यहाँ से दिख जाएगा। तो बहुत अच्छी चीज़ है यार। और एक चीज़ और बता दूँ, जो ने इंट्रोडक्शन करा था नया चीज़ न्यू फीचर जो कि वॉलनट प्राइम। तो वॉलनट प्राइम है क्या बेसिकली, तो वॉलनट प्राइम एक आपको जो है क्रेडिट लिमिट देता है जो कि आप यूज कर सकते हो अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए या फिर किसी भी पर्पज़ के लिए। तो ये आपको कुछ नहीं पूछने वाला। तो आपका एलिजिबल कैसे होता है, तो जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर दिखेगा वॉलनट प्राइम, उस पर क्लिक करोगे तो 7 डे यूज दिखाएगा भाई लोग। तो 7 डे आपको यूज करना होगा, देन आप अगर एलिजिबल होगा तो यहाँ पर आपको वॉलनट प्राइम आपका एक्टिवेट हो जाएगा। वॉलनट प्राइम एक्टिवेट करने के लिए आपको बस पैन कार्ड की ज़रूरत होगी या फिर आधार कार्ड का, तो ये मेरे को याद नहीं, मैंने बहुत पहले कर रखा है। तो आप देख लेना, आप जैसे ही डालोगे तो आपका जो है वॉलनट प्राइम एक्टिव हो जाएगा 7 डेज़ के लिए। तो 7 डेज़ के बाद आपको जब एक्टिव हो जाएगा, नॉट ये जो है आपको पैसे देने वाले हैं, आपको सिर्फ एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, 7 डेज़ के लिए। जैसे ही एक्टिव होगा, अगर आप एलिजिबल हो गए इनके प्राइम के लिए, तो आपको ये पैसे प्रोवाइड कराएंगे 7 डेज़ के बाद, देखने के बाद। तो क्यों देखते हैं भाई, क्योंकि ये ना बैंक है ना फिर आपको कोई ऐसा एप्लीकेशन है कि आपको पूरे केवाईसी वगैरह मांगते रहता है। ये सिर्फ आपको एक पैन कार्ड आधार कार्ड मांगेगा, सिंपल एज डैट। अगर आप एलिजिबल हो तो दिख जाएगा यहाँ पे, या फिर एक ट्रैक से देखते हैं ये कि आप कितना कितना यूज कर रहे हो, कहाँ कहाँ पैसे खर्च कर रहे हो और आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, तभी ये प्रोवाइड कराएंगे कि हाँ ये जो है मेरा लोन जो है चुका सकता है। तो ये बहुत अच्छा है इनका जो है मेथड, मेरे को लगा कि आप जो है इनका क्रेडिट ये अपने खुद से हिसाब से देख के देते हैं। अगर 7 डे में 7 डेज़ में आप एलिजिबल नहीं पाते हो तो इस एप्लीकेशन को यूज करते रहो, आपको 1 महीने 2 महीने के बाद ये जो है वॉलनट प्राइम की सुविधा आपको ये प्रोवाइड करा देंगे। तो बहुत अच्छी चीज़ है। मेरे को तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो ये वॉलेट मैंने बहुत दिन पहले ही इंस्टॉल कर रखा था अपने फ़ोन में, और बट ये इन्होंने जब वॉलेट प्राइम का फीचर एड ऑन करा तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा तो ये मेरे को मैं एलिजिबल था और मेरे को मिल गया 7 डेज़ के अंदर। तो अब मैं बता दूं कि प्राइम तो सेवा आपको कैसे मिलेगा, 7 डेज़ के लिए एक्टिवेट होता है, आपको यहाँ पर दिखेगा। तो अगर आपने एलिजिबल नहीं हो तो 2 महीना एप्लीकेशन को रोको। अगर जिन लोगों को एलिजिबल है, आपका वॉलेट प्राइम दिख रहा है, तो आपको करना क्या है, सिंपल 7 डेज़ के अंदर आप जैसे ही करोगे आपको दिख जाएगा कि आप यू आर एलिजिबल। तो एक जो है इनका क्लाइंट आएगा बंदा, आपका साइन लेके जाएगा 7 डेज़ के अंदर, और जैसे ही साइन लेके जाएगा 1 या 2 दिन के अंदर आप पैसे विड्रॉल कर सकते हो। तो बहुत अच्छी चीज़ है।
तो मेरे को इन्होंने 70,000 रुपये दे रखे हैं। तो यहाँ पर राइट पर क्लिक कर देते हैं तो देख सकते हो वॉलेट प्राइम दिख रहा है। और एक और इन्होंने फीचर ऐड ऑन करा है एक्टिव एटीएम अराउंड, तो आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ एटीएम है हमारे अगल बगल। तो बहुत अच्छी चीज़ है, लोग भागते रहते हैं कि एटीएम यार है नहीं है नहीं। तो आप जो यहाँ से देख सकते हो कि अपने आजू बाजू कहाँ पे एटीएम है और जो पैसे विड्रॉल कर सकते हो। ये वॉलेट प्राइम है यहाँ पे भैया, देख सकते हो 70,000 रुपये इन्होंने मेरे को दिया था कि विदाउट एनी कोई भी डॉक्यूमेंटेशन। मैं बोल सकता हूँ सिंपल एक साइन ले गया था और मैंने पैन कार्ड या आधार कार्ड डाला होगा शुरू में डिटेल्स के लिए, और उसके बाद इन्होंने मेरे को एलिजिबल दे दिया था। सीधी बात, 70,000 रुपये इन्होंने दिया मेरे को। बट आप जो है इसमें भी टर्म एंड कंडीशन है बहुत सारा, आप जो जान लो मैं बता देता हूँ आपको। तो पहला चीज़ तो अगर आप 70,000 या फिर 1 लाख तो 7 लाख तक ये मैक्सिमम आपको क्रेडिट देते हैं आपके यूजेज हिसाब के देख के कि आपका क्या हो। मैं तो यार स्टूडेंट हूँ तो 70,000 बहुत है हमारे लिए भी। तो यहाँ पे एक और चीज़ लोग पूछ रहे थे कि भाई अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरे को मिलेगा? हाँ आप स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, आप बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो, कोई भी कुछ भी हो, आप कोई भी प्रोफेशन में हो, आपको जो है बस सिंपल सा यहाँ पे आपको ट्राई करना होगा वॉलेट प्राइम का। अगर आप एलिजिबल हो तो आपको ये देंगे। अगर 7 डे यूज करो उसके बाद भी नहीं मिलता तो 1 या 2 महीने कीपअप करो, रखे रहो, आपको डेफिनेटली ये दे देंगे देख के यूजेज के हिसाब से। तो बहुत अच्छी चीज़ है। और अब दूसरी चीज़ कि आपको अगर पैसे मिलते हैं तो केवाईसी आता है। और एक चीज़ और कि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ऑल ओवर इंडिया में ये प्रोवाइड कराते हैं? नहीं, ऑल इंडिया में नहीं प्रोवाइड करते, मेजर मेजर सिटी में ये प्रोवाइड कराते हैं, जस्ट लाइक दिल्ली, मुंबई और लखनऊ। एक लखनऊ का बंदा भी फ़ोन करा था तो उनको भी मिला था। और बाकी आप देख लेना अगर आपके सिटी में अवेलेबल हो तो ट्राई करने में क्या जाता है। अगर ये इनका सक्सेस तो हो ही गया है मे बी, मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि इनका वॉलेट प्राइम का जो इन्होंने ऐड ऑन करा है ये सक्सेस हो चुका है। अगर ये और भी बढ़ाना चाहते हैं तो ये और भी सिटीज़ ऐड ऑन करेंगे तो आप जो है ट्राई ज़रूर करना, तो आपको जो है पैसे यहाँ से आसानी से मिल जाएंगे और आप जो पर्सनल यूज के लिए यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं कि इसमें भी टर्म एंड कंडीशन है कैसे। तो आप मात्र यहाँ से 2 ही बारी में पैसे उठा सकते हो, ठीक है? तीसरा आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। अगर आप जो है 70,000 का लोन है तो 1 बारी में आप 70,000 रुपये भी यहाँ से नहीं ले सकते हो। मान लिया 1 लाख आपका यहाँ पे मिला तो आप 1 लाख एक बारी में पैसे नहीं उठा सकते हो। तो ये एक चीज़ बता दूँ आपको, 2 बारी में लेना होगा और 2 बारी के बाद आपको जो है तीसरा बारी में आप पैसे नहीं ले सकते। आप अगर लिमिट हो भी तो भी पैसे नहीं ले सकते हो, अगर लिमिट है तो भी पैसे नहीं ले सकते हो। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर देखो 70,000 रुपये हैं, बट मैंने लिया है यहाँ पे, देखो अभी दिखा देता हूँ आपको, 39,000 ले रखा था मैंने, एक 15,000 लिया था, एक 16,000 रुपये लिया था। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि आप 2 बारी में ईएमआई ले सकते हो। इंटरेस्ट क्या है इनका? 2% पर मंथ है इनका, ठीक है? तो जोड़ लो 2% अगर पर मंथ भी है तो ऑल अदर जितने भी एप्लीकेशन में कंपेयर करूँ इनके अलावा, जैसे क्रेडिट भी हो गया, तो क्रेडिट भी तो यार फ्रॉड कंपनी है, बिल्कुल भी यूज मत करा करो, ठीक है? बहुत सारे लोग का उनका निगेटिव फीडबैक भी आ रहा है मेरे पास कि भाई ऐसा ऐसे हो जा रहा है, मेरा अकाउंट बैन कर रखा है। तो वो चीज़ यूज मत करो क्योंकि वो खून चूस रहे हैं लोगों का, क्योंकि यार इतना ज़्यादा इंटरेस्ट कौन लेता है, और आपका प्रोसेसिंग फ़ी और पेमेंट भी बहुत सारा चीज़ यहाँ पे देख रहे हो कुछ नहीं है, 0 रुपीज़ है, 0 रुपीज़ है, 2% का आपको यहाँ पे देना है। तो मैंने यहाँ पे 18 मंथ का कर रखा है भाई लोग ईएमआई, तो मेरे को सिर्फ 1,010 रुपये देने पड़ते हैं, और 1,000 का एक और दूसरे ईएमआई का 1,020 रुपये कुछ ऐसा करके 16,000 वाला का। तो देख सकते हो बहुत ही कम इंटरेस्ट है, 1,020 रुपये ले रहे हैं। तो यार आपको जो पैसे भी प्रोवाइड कराएं तो इससे अच्छा चीज़ मेरे को यहाँ तक नहीं लगा। तो ये चीज़ यार लो, इंटरेस्ट भी बहुत कम है, स्टूडेंट के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। फ़ोन ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, गाड़ी ले सकते हो, और आप जो है ईएमआई पे आराम से 1,000 1,000 रुपये भर दो, सिंपल आ जाए। तो ये चीज़ बता दूँ बट आपको कि आप जो है पैसे 2 ही बारी में ले सकते हो और 1 बारी में पूरा मैक्सिमम पैसे नहीं ले सकते हो। तो मे बी अगर आपको 1 लाख की ज़रूरत है तो आप 2 बारी में निकाल लेना 50,000 50,000 रुपये, ठीक है? अदर 1 बार में नहीं निकलेगा। और ऐसा सोच रहे हो कि मैं 3 बारी में निकालूँ तो तीसरा बारी तो बिल्कुल मत सोचना, तीसरा बारी में प्रोवाइड ही नहीं कराएंगे। 2 बारी आपको ईएमआई देंगे, उसके बाद आप जो है भरते रहो उसके बाद। तो ये मेरे को एक अच्छा चीज़ नहीं लगा यार इनका, एक जो निगेटिव मेरे को ये चीज़ लगा कि अगर बंदा पैसे पे कर रहा है तो मैंने यार 3 महीने में, 2 महीने मेरा हो चुका है, 2 महीने में मैंने पेमेंट कर दिया है इनका, सिंपल एज दैट। तो देख सकते हो यहाँ पे मेरे को तीसरा इन्होंने नहीं दे रखा है, तो देना चाहिए। अगर बंदे को और ज़रूरत है तो आप जैसे क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करा रहे हो तो यार लिमिट मत रखो, लिमिट आप रखो कि हाँ 70,000 रुपये हो गए तो अब इनका अकाउंट यहाँ से ना मिले, ठीक है? ये चीज़ तो सही है, बट यार आप जो 70,000 रुपये और 39,000 और बंदे को और ज़रूरत पड़े तो यार कैसे हो सकता है। तो ये चीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा वॉलेट के टीम से कि आप जो अगर वीडियो देख रहे हो या फिर मैं आपको ईमेल कर दूंगा तो ये चीज़ आप ऐड ऑन करो यार, लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। और तो यहाँ पे अब तो हो गया भैया कि 2 चीज़ कि आप कैसे पैसे विड्रॉल कर सकते हो, अब तीसरी चीज़ कि आप इसको पेमेंट कैसे कर सकते हो। तो ये हर तारीख को 5 मई को आपको डेट मिलेगा, और मेरे को तो 5 मई दे रखा है, मे बी डिफरेंट डिफरेंट डेट हो सकता है, तो वो चीज़ मैं श्योर नहीं हूँ।
तो ये चीज़ जान लो कि आप जो है 5 तारीख का यहाँ मेरा है, 5 तारीख को ऑटो विड्रॉल हो जाता है मेरे अकाउंट से, जो अकाउंट से मैंने पैसे लिए थे उसी अकाउंट से मेरा ये 5 तारीख को विड्रॉल हो जाता है। 1,000 रुपये, 2,000 रुपये है मेरा EMI, तो 2,000 रुपये जो जो है विड्रॉल हो जाता है। तो बहुत अच्छी चीज़ है, आपको कुछ पेमेंट भी नहीं करना पड़ता, बस आप पैसे जो है बैलेंस रखो 5 तारीख की जो भी डेट है, और अगर आपका मिस हो जाए डेट तो आपको 750 रुपये का पेनल्टी चार्ज लगता है, सिंपल एज डैट। तो ये जान लो आपको 750 रुपये और एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, और प्लस आप जितने लिया उतना उतना पे करना पड़ेगा। और ये तो एक प्राइवेट है यार, तो ऐसा कुछ है, आप जो है पैसा लेके पे नहीं करोगे तो ये बिल्कुल भी मत सोचना, आपके पे पुलिस केस भी हो सकता है, क्योंकि इनका डिटेल्स है जो साइन अप कराते हो, तो साइन में बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है, तो लोग अगर पढ़ना चाहते तो पढ़ लेना, मैंने पढ़ा था, बहुत सारी चीज़ वहाँ पर दे बहुत सारे चीज़ वहाँ पर दे रखा था, सो दैट्स वाई मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो ये तो आप पे जो केस वगैरह भी हो सकता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो पैसे पे करो, अगर बंदा आपको जो प्रोवाइड करा रहा है तो यार आप उसकी, जैसे कि पेटीएम पोस्टपेड ने बहुत सारे लोगों ने ले रखा है और पैसे पे नहीं करते हैं, तो ये बहुत बुरी चीज़ है। तो इससे यार अगर कोई बंदा स्टार्टअप करना चाहता है तो यार उसकी कंपनी तो यार डाउन हो जाएगी, चली जाएगी, तो ये चीज़ बिल्कुल भी मत करो यार, आप पैसे पे कर लो। अगर फ्रॉड कंपनी है जैसे क्रेडिट भी, तो यार उसका अब मैं सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि यार एक तो वो बंदा को लूट रहा है, 1400 रुपये जो दी, 1500 का लोन लेते हो तो आपको जो 1300 रुपये मिलना ही है और आपको 1600 रुपये पे करना है, तो 700 रुपये सीधे पैसे मार लेते हैं। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है यार, बहुत सिंपल है। बंदा जो भी एक वॉलनट प्राइम के ऑनर हैं, पुणे का है, इन्हें मैंने रिसर्च करा था, पुणे का स्टार्टअप था ये वॉलनट, और बहुत अच्छा ऐप चल रहा था, तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं बेस्ट विशेष करूँगा कि और भी वो एड ऑन करे फीचर, जिससे कि लोगों को और भी हेल्प हो सके। तो सारा का सारा चीज़ मैंने क्लियर कर रखा। हाँ एक चीज़ और, लोग पूछ रहे थे इनका कि हेल्पलाइन नंबर, तो हेल्पलाइन नंबर इनका नहीं है गाइज, आप जाओगे राइट साइड में तो ऑप्शन दिख जाएगा यहाँ पर सपोर्ट का, ठीक है, सपोर्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप मेल लिख सकते हो, मेल में आप कुछ भी लिख देना है, आपकी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, बाकी तो मैंने यहाँ पर सॉर्ट आउट कर दिया है आपको जो भी मेन मेन प्रॉब्लम था, तो आप जो है समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको जो है वॉलेट के प्राइम को यूज करना है और आप कैसे एलिजिबल हो सकते हो। तो ये सिंपल सा मेथड था, आप जो है पैसे यूज करो और अपने अच्छे काम के लिए कुछ भी के लिए आप वॉलेट प्राइम से ले सकते हो। तो ये एप्लीकेशन बहुत अच्छा है यार, क्योंकि ये मेरे को भी लोन प्रोवाइड करा था, सो ये समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको जो है करना है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो यार लाइक करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, दोस्तों से भी सब्सक्राइब करा दो। और एक चीज़ और, अगर कोई भी फीडबैक है या फिर इसके रिलेटेड वॉलेट के नीचे आपको कोई भी क्वेरीज है फिर भी अगर रह चुका है, तो मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो या फिर कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना है यार वीडियो को देखने के लिए, सो थैंक यू सो मच।